बॉर्डर पर सैनिकों के साथ हुई बर्बरता से जहां पूरे देश में गुस्सा है, वहीं अंबाला का एक पूरा गांव महताबगढ़ पाकिस्तानी सैनिकों से बदला लेने की मांग कर रहा है। इस गांव में देशभक्ति के जज्बे का आलम यह है कि जहां गांव के हर घर से एक या दो लोग सेना में भर्ती हैं, इस गांव के बच्चे देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं और उनके परिजन सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके बहादुर बच्चों को पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करने की छूट दे दे, ताकि पाकिस्तान फिर किसी सैनिक के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार ना कर सके। अम्बाला से जाटीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। तो सरकार से यह चाहते हैं कि उसका बदला जो है, अगर उसने दो हमारे आदमियों के सिर काटे हैं तो उसके 10 के सिर काट के लाने चाहिए। अरब वैसी अब्बल तो जिंदों को ही काटना चाहिए, सालों को, ये नहीं भी मरे हुए को काट रहे, वो तो मरे हुए का काटते ना, जिंदे को काट के दिखाएं फिर तो पता चलेगा कैसे काटा जाता है। खुली छुट्टी देन साढ़े बच्चों को, साढ़े बच्चों के भी शेर न दे, उन्होंने बदला उन्हों का एक मार दें 10 बंद काट। अब सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं भाई, ये जो न्यूज में देते रहते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे, करते तो कुछ है नहीं। तो अगर वो हमारा दो नुकसान करते हैं तो हमें उनका 4 डबल करना चाहिए। और मेरा बस चले तो मैं तो अब भी जाऊं और मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। या तो उसी बेगों को बर्बाद करो, कुछ करो, लेकिन सिविल पब्लिक को पहले कंट्रोल कराओ। यदि CRP या BSF या आर्मी कोई भी कामयाब हो सकती है, वरना नहीं। जितनी देर हमारे साथ सिविल पब्लिक नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। फौज में इसलिए भर्ती होते हैं, जैसे बार बार हमारे पाकिस्तान शरारत करता है, हर आदमी के ये दिमाग में है भी हम उससे बदला ले। हम खुद पाकिस्तान से आए हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ है। हम तो ये कहते हैं सरकार एक बारी अपना कानून बंद करे, फौज को पूरी छूट दे, अपने आप हो जो करना चाहे कर देगी।